नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मार्केट की बात करते हैं कल के लिए, कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो अभी टॉप से मार्केट गिरना शुरू हुआ है और यहाँ पे एक ही क्वेश्चन होगा आप सबके मन में कि क्या ये कोई बिग फॉल होगा या फिर जस्ट अनदर फॉल। जस्ट अनदर फॉल मतलब अभी तक हम देख रहे हैं यही होता है, मार्केट एक दिन दो दिन गिरता है एंड देन रिकवर करके नया हाई बना देता है। तो क्या ये कोई बिग फॉल होने वाला है, क्या ये कोई क्रैश होने वाला है, इस सवाल को हम देखने के लिए बैक टेस्टिंग करेंगे, कुछ सिनेरियोस देखेंगे कि पास्ट में जब जब ऐसे फॉल आया है तो किस तरह का पैटर्न बनाया है। जब मार्केट ने बहुत डीप करेक्शन किया है तब क्या पैटर्न बना है, जब नया हाई बना दिया मार्केट ने तो क्या पैटर्न बना है, और हम अपना सिनेरियो निकालेंगे, अपना ट्रेड प्लान निकालेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बाय द वे आज की अगर मैं आपसे बात करूं तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, आज बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुए। सुबह ही हमने ट्रेड ले लिया था 921 पे और मैंने निफ्टी की पुट दिलवाई थी, जो पुट 100 का हमने 200 का टारगेट लिया था, 200 प्लस गया मगर मैं 100 का 200 लेके कंटेंटली उसको निकाल दिया ट्रेड करके। और एक मिड कैप के अंदर हमने एक्सपायरी थी उसका ट्रेड लिया था जिसके अंदर 4 times हुआ ऑप्शन, क्लोजिंग बेसिस पे और ज़्यादा बढ़ा, लेकिन चलो अच्छा एक प्रॉफिट उसके अंदर भी हुआ। अभी क्या सिनेरियो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं, निफ्टी के लिए देखते हैं। देखो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बैंक निफ्टी निफ्टी पे और फिन निफ्टी की भी उसके बाद वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों मेरे से चाहते हैं कि मेरी गाइडेंस मिले आपको मार्केट आवर्स में, तो आप प्लैटिनम 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जाके चेकआउट कीजिएगा या फिर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके 7801886205 पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं मार्केट की बात करना। देखो अभी मार्केट ने क्या किया है, एक पिछले ऑल टाइम हाई के ऊपर गया, 3-4 दिन वहाँ पे सस्टेन किया और फिर एक सेलिंग आना शुरू हुआ और ये एक शार्प सेलिंग है क्योंकि कंटिन्यूसली आप देखोगे 2 दिन से मार्केट गिर रहा है। आज दूसरा दिन है मार्केट 1.5% बैंक निफ्टी गिर के बंद हुआ है। ना सिर्फ इतना, जो पिछला ऑल टाइम हाई था, जो पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट का काम कर सकता था, यहाँ पे मार्केट रुक सकती थी, वो नहीं हुआ है। यानी यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर सेटअप बन गया है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे यू नो ब्रेकआउट किया और इसको बहुत ऊपर जाना है तो ये पुल बैक लेता, यहाँ पे कहीं पे पॉज लेता और फिर एक नया हाई बनाता, क्योंकि ये ऑलरेडी पिछले हाई के नीचे आ गया। कल गैप अप बहुत बड़ा हो जाए तो फिर अगेन वो सिनेरियो बदल जाएगा, बट अदरवाइज ये कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ का मूवमेंट आ सकता है। बट मार्केट सीधी लाइन में नहीं गिरती है, ऑलमोस्ट आप अगर टॉप से मेजर करोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 1500 पॉइंट गिर गया। देखो 1500 पॉइंट का फॉल मजाक नहीं होता और 1500 पॉइंट मार्केट खाली प्रॉफिट बुकिंग में नहीं आ सकती, कुछ मार्केट को ऐसा एंटिसिपेटेड है पता है जो हमें अभी नहीं पता है, बट वो उसकी न्यूज़ रीज़न बाद में मिल जाएगा। मार्केट में एक शार्प सेलिंग आ रही है, ये आपको समझ में आना चाहिए, एंड टॉप से आ रही है, प्लस मार्केट एक मेजर सपोर्ट जो 53,000 के ऊपर कहीं पे इसको मिलना चाहिए था वो नहीं लिया है, वो उसको तोड़ दिया है, तो ये एक सेलिंग को कन्फर्म करता है। तो यानी अभी यहाँ पे फिलहाल जो सिनेरियो है इसमें हर एक राइज पे, अगर कोई राइज आ भी जाता है सेलिंग के लिए पहले मैं प्लान करूंगा और मार्केट और डीप आए मैं ऐसा प्लान करके चलूंगा। यानी मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाए वो थोड़ा सा चलो पॉसिबल मुश्किल लगता है, लेकिन कोई पुल बैक आया तो भी सेलिंग प्लान करूंगा। मार्केट यहाँ पे पॉज ले लेता है, 2 दिन डोजी टोजी बनाता है, उसके बाद लो तोड़ता है तो भी मैं सेलिंग कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करूंगा, और अगर मार्केट डायरेक्ट भी नीचे जाता है तो भी मैं फिलहाल अभी सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। तो अभी बाइंग के लिए यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं होना चाहिए, बाइंग कहाँ पे करनी है उसके लिए भी हम डिस्कस करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे चल के। देखो ये आवर्ली चार्ट है बैंक निफ्टी का और यहाँ पे देखोगे तो कोई भी बाइंग कैंडल नहीं आई है पिछले कई सारे कैंडल्स में, सबके सब लगातार सेलिंग कैंडल्स है। देखो लगातार सेलिंग कैंडल्स है तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं एक पुल बैक तो आएगा, बट फर्स्ट पुल बैक पे जितने भी लोग यहाँ पे जिनकी पोजिशन फंसी होगी एग्जिट करने का सोचेंगे, प्लस फ्रेश सेलिंग करने के लिए भी लोग बाउंस का वेट कर रहे होंगे, तो पहले तो सेलिंग आएगी आएगी। तो अगर कोई पुल बैक आता है मार्केट में तो हम सेलिंग के लिए पहले प्लान करेंगे। आज का जो गैप मार्केट ने छोड़ा है, ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया था, इसको मार्केट ने आज गैप से ही डायरेक्टली तोड़ दिया। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता हम इसको पॉजिटिव में फिलहाल नहीं गिरेंगे, तो बाइंग करने के लिए अभी काफ़ी बड़ा एक स्पेस मार्केट को ट्रेवल करना पड़ेगा, वापस 53,600 से लेके 800 ये वाला जो जोन है इसको पार करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट आपके पास 800 पॉइंट का 900 पॉइंट का स्पेस लेकर आता है। 800-900 पॉइंट मार्केट भड़के बंद हो किसी दिन, फिर हम नेक्स्ट डे सोच सकते हैं कि हाँ यार मार्केट में एक फॉल आया बट बाइंग आ गई, स्ट्रांग बाइंग आ गई। तो अब ये अगर इतनी ऊपर पहुंच जाएगा तो फिर वहां से ऑल टाइम हाई पहुंचना और क्रॉस करके निकलना इजी रहेगा, तो हम बाइंग के लिए इस एरिया के बाद सोचेंगे। अभी इसको पुल बैक पे कोई भी अगर बाउंस आता है तो सेलिंग के लिए सोचेंगे, प्लस देखेंगे पुल बैक की इंटेंसिटी क्या है, अगर पुल बैक कोई आता भी है तो इंटेंसिटी क्या है, प्लस अगर सेलिंग देखोगे तो फास्ट आती है हमेशा। अगर मार्केट को और डीप आना है तो ज़्यादा बड़े पुलबैक्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि मार्केट 700-800 पॉइंट 1000 पॉइंट बढ़ जाएगी और फिर आप सोचो कि मार्केट गिरेगी और ज़्यादा नहीं। अगर इसको गिरना है और ज़्यादा गिरना है तो या तो ये साइडवेज थोड़ा टाइम बिता सकता है एक आध दिन, फिर वहाँ से कंटिन्यू कर सकता है,
फ्लैग पैटर्न टाइप बना के कि एक फॉल आया, एक आध दो दिन साइडवेज चला गया और उसके बाद एक अच्छा फॉल कंटिन्यू हो गया, या फिर छोटा मोटा पुल बैक ले सकता है, यानी हल्का फुल्का ऊपर की तरह मार्केट पुल बैक ले सकता है, बट स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी आपको उसमें, एंड देन वहां से कंटिन्यू कर सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे सेल ऑन राइज का सिनेरियो लेकर चलेंगे मार्केट में, और जब तक मार्केट यहाँ पे इस ये जो स्विंग आई लगा है इसके ऊपर नहीं निकलती है, बाइंग को अवॉइड करेंगे। तो बाइंग के लिए यहाँ पे जब तक बैंक निफ्टी एटलीस्ट 53,300 के ऊपर नहीं निकलता है अवॉइड करेंगे, और यहाँ पे सेल ऑन राइज करेंगे, हर एक बाउंस पे इसको बेच के चलेंगे। फिलहाल अगले सपोर्ट टारगेट्स की अगर आप मेरे से बात करोगे तो यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है, ये फील हो सकता है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक अच्छा बाइंग आना शुरू हुआ था तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया दिखाई देता है, एंड देन इस पूरे ट्रेंड का अगर आप देखोगे तो फिबोनाची बना के 50% लेवल कहाँ पे है वो भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे 50% इस पूरे ट्रेंड का देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे हमें नज़र में आता है। तो ये जो एरिया है ये एक स्ट्रांग बाइंग एरिया या फिर एक सपोर्ट एरिया जहाँ से मार्केट एक पुल बैक ले हो सकता है। तो फिलहाल अभी मार्केट हो सकता है कंटिन्यू करे और पहले इस एरिया तक आए। ये एरिया की अगर हम बात करें तो ये 52,200 से लेके कहीं ना कहीं 52,600 के बीच में नज़र आता है, यानी जहाँ पे मार्केट अभी है वहाँ से 300 पॉइंट नीचे ही है पहला सपोर्ट, और हो सकता है उसके नीचे भी मार्केट 500-600 पॉइंट और गिर जाए। तो फिलहाल अभी आप सेलिंग को कंटिन्यूएशन के बारे में सोचिए। अगर मार्केट 53,000 के ऊपर निकल जाता है, 53,000 के ऊपर खुलता है या खुलने के बाद तुरंत मार्केट निकल जाता है, तो बाउंस पे सेल की पोजीशन बनाने का सोचिए। 53,300-350 ये सब एरियाज अच्छे सेलिंग के एरिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत बड़ा स्ट्रांग बाउंस नहीं आना चाहिए मार्केट में, तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ के वापस यू टर्न मारने लगता है तो ये डीप करेक्शन करने के लिए आ सकता है, दैट विल बी दी आइडियल पैटर्न। तो या तो ये कंटिन्यूएशन में जाएगा या फिर थोड़ा सा साइडवेज जाकर जाएगा या फिर हल्का फुल्का बाउंस लेकर जाएगा, बट चांसेस अभी यहाँ पे इसी चीज़ के नज़र आते हैं। देखो यहाँ पे डेली और वीकली चार्ट पे कुछ चीज़ें आपको और दिखाना चाहूँगा मैं। पहली बात डेली चार्ट पे आप देखोगे तो मूविंग एवरेज इसका क्लस्टर सपोर्ट भी जो है इसी जोन में है, 52,700, उसके बाद 20 मूविंग एवरेज 52,400-500 के आसपास है। तो ये सब एरिया में मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। तो हो ये भी सकता है कि मार्केट कल एक दिन और फॉल करे, उसके बाद एक यहाँ से पुल बैक ले या डोजी जैसा कैंडल बनाए, एक आध दो दिन थोड़ा सा पुल बैक ले, एंड देन वहाँ से फिर और डिप जाए। तो कल का दिन फिलहाल मैं पहला जो मेरा ट्रेड होगा सेलिंग के साइड पे लूँगा। अगर मार्केट 53,000 के नीचे खुद को मेंटेन करती है तो पहले मैं सेलिंग के लिए कल के दिन में भी कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करना चाहूँगा। बट नीचे 200-300 पॉइंट के बाद अभी एक सपोर्ट मिल जाना चाहिए। जैसे आज 800-900 पॉइंट का फॉल आया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि कल वापस 1,000-1,500 पॉइंट मार्केट गिर जाए। कल मार्केट अगर गिरती भी है तो हो सके सेकंड हाफ में रिकवर करके एक इस तरह से हैमर जैसा कैंडल बनाए। तो कल कंटिन्यूएशन में जाएंगे पहले फॉल, उसके बाद सेकंड हाफ में नीचे के लेवल से कोई रिकवरी आती है तो थोड़ा सा मार्केट पॉज ले सकता है, उसके लिए प्लान कर सकते हो। तो ये ओवरऑल कल के लिए बैंक निफ्टी का व्यू है। देखो मैं आपको कह रहा था वीकली चार्ट पे कुछ दिखाऊंगा आपको। देखो वीकली चार्ट पे यहाँ पे क्या दिखेगा, एक अच्छी रैली हुई, फिर यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना परफेक्ट, और उसके लो के नीचे अब हम ट्रेड कर रहे हैं और उसके नीचे अच्छा खासा चला भी गया मार्केट। तो फिलहाल यहाँ पे मार्केट शूटिंग स्टार के नीचे चला गया। अगर मार्केट इस बाइंग कैंडल के यानी 52,000 के नीचे आके ट्रेड करने लगता है देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डीप करेक्शन। मतलब हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था कि क्या ये डीप करेक्शन हो सकता है, वो होगा अगर ये 52,000 के नीचे जाकर ट्रेड करने लगता है। तो 52,000 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है आने वाले टाइम में तो ये डीप और ज़्यादा बड़ा करेक्शन हो सकता है। बट अगर ये यहाँ तक कहीं तक आता है फिर पॉज लेता है एक आध वीकली कैंडल पे और फिर कंटिन्यू करता है देन इट कैन गो अप, देन इट कैन गो अप। बट फिलहाल वीकली चार्ट पे भी जो पैटर्न है एक शूटिंग स्टार बना उसके लो के नीचे ट्रेड करके आज एक कैंडल बनना शुरू हो गया, तो ये कैंडल देखते कितना डीप इसको लेके जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे एक सेलिंग का सिनेरियो वीकली चार्ट पे भी नज़र में आ रहा है एंड हमने यहाँ पे सब चीज़ों को देख लिया है। अब निफ्टी की बात करें तो देखो निफ्टी ने लास्ट वीक के कैंडल का जो लो था उसको तोड़ दिया आज, ये बहुत ही ख़राब साइन है और इसके नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करता है तो निफ्टी भी जस्ट लाइक बैंक निफ्टी ये जो बड़े वाला कैंडल है इसके बॉटम तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो निफ्टी में भी अभी टारगेट्स 25,400-500 के नज़र में आ रहे हैं और इस बारे में मैंने आपसे लास्ट वीक बात भी की थी। एग्जैक्टली आपको मैंने कई दफ़ा बताया था कि 26,250 के आसपास मार्केट का टारगेट निकल के आ रहा है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट 25,750-800 तक तो मिनिमम आ सकता है, जो आज आ गया टुडे एक ही दिन में डन हो गया। अब इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो 25,500 तक जा सकता है। इसके नीचे बहुत डीप करेक्शन के लेवल्स खुलते हैं, इसके नीचे मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बट हम जज करेंगे जब मार्केट यहाँ आ जाएगा कि मार्केट और नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा। फिलहाल यहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि जो है मार्केट
इस लेवल को टेस्ट कर सकता है और उसके बाद एक पॉज ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है, पुल बैक ले सकता है, फिर हम देखेंगे मार्केट किस तरह से बिहेव करता है जब 25,500-26,000 के आसपास आ जाता है। तो निफ्टी यहाँ पे अभी थोड़ा सा नेगेटिव है। निफ्टी को अगर आपको बाइंग के लिए लेना है तो 26,000 के ऊपर जाने का वेट कीजिएगा। 26,000 के आसपास अब इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलने वाला है, यहाँ पे लोग इसको सेल करने के लिए तैयार बैठेंगे। अगर मार्केट 26,000 तक जाता है तो वहाँ पे आपके लिए सेलिंग जोन है, हर एक राइस पे सेल कीजिए अभी, और 26,000 के ऊपर ही मार्केट को हम बाइंग के लिए वापस कंसीडर करेंगे अगर ये क्लोजिंग करता है या सस्टेन करता है। अदरवाइज इट्स अ सेल सिनेरियो फॉर 25,600-25,500 ऑल दीज टारगेट्स। अब यहाँ पे कल अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो देखो क्या है कि आज एक सेलिंग आई है, आपने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, बट काफ़ी लोगों ने किया होगा, हमने किया, मेरे क्लाइंट्स ने किया, एक सपोर्ट तोड़ चुका है मार्केट, ठीक है, इसके नीचे आज एक अच्छा खासा सेलिंग आ गया है। कल डायरेक्टली गैप डाउन अगर ये खुल जाता है तो क्या होगा ना कि जिन्होंने या तो सेल किया हुआ वो भी प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं कभी भी, और एक मौका आपके हाथ से चला गया, एक सेलिंग आज की छूट गई, कल का गैप डाउन खुल गया वो भी मौका छूट गया, तो फिर नीचे के एरिया में फॉर्म में सेलिंग मत कीजिएगा, फिर आपकी मौका चला गया, फिर आपको सिंपल है थोड़ा वेट कीजिए, कोई मार्केट को साइडवेज जाने दीजिए, कोई रेंज बनाने दीजिए, कोई सपोर्ट बनाने दीजिए, उसको टूटने पे ऊपर या नीचे बाय या सेल का ट्रेड उसके बाद फिर बाद में लीजिएगा। पर अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है तो आपके लिए ट्रेड जोन में हल्का हल्का गैप अप खुलती है, खुल के थोड़ा पुल बैक लेती है फिर रिवर्स करती है तो आप सपोर्ट टूटते के साथ सेल कर सकते हो, तो आपके काम का है। तो यहाँ पे फ्लैट, हल्का फुल्का पॉजिटिव, हल्का फुल्का गैप डाउन खुले तो ट्रेड करना, बहुत बड़ा गैप डाउन कल डायरेक्टली खुल जाए जो पॉसिबल है तो थोड़ा सा अवॉइड करना, ये पहली मेरी आपके लिए राय है। अब फिन निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है उसकी हल्की सी बात करते हैं वीडियो को क्लोज करने से पहले। देखो फिन निफ्टी की अगर हम सपोर्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट जो दिखाई देता है मुझे, ये बहुत अच्छा एरिया है लेकिन काफ़ी दूर है अभी के प्राइस से, ऑलमोस्ट जहाँ पे बंद हुए वहाँ से 200 पॉइंट दूर मेरे को दिखाई देता है ये सपोर्ट। इधर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, एक गैप भी छूटा हुआ, तो फिलहाल फिन निफ्टी जो है 24,300 से लेकर 270-280 वाले जोन तक आ सकता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 180-200 पॉइंट्स का एरिया है हमारे पास, लेकिन इसके लिए अगर कल ये मान लो 100 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, 300 समथिंग पे खुलता है, फिर मैं पार्टिसिपेट करूंगा, अभी तो कॉल बेच के करूंगा, ऑप्शन बाइंग का मौका नहीं देखूंगा वहाँ पे मैं। फिर हो सकता है मार्केट सपोर्ट हिट करे, फिर बाउंस करे, फिर साइडवेज जाके बंद करे और फिर एक आध दिन पॉज लेकर उसके बाद मार्केट डिसाइड करे यहाँ से ब्रेक डाउन करना है कि बाउंस बैक करना है। बट अगर मार्केट कल फ्लैट खुला तो मैं यहाँ पे खुलते के साथ, पहले मैंने जैसा कि बोला सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, फिर हो सकता है एक सपोर्ट हिट करके मार्केट बाउंस करे, उसके बाद एक रेंज बनाए और साइडवेज जाके बंद करे, तो इस तरह का कुछ चार्ट कल मुझे नजर आता है। बट उसके लिए मार्केट अगर इस एरिया में खुलती है तो सेलिंग के लिए हम जाएंगे, डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन खुल गया तो थोड़ा सा दिक्कत है, फिर वहाँ पे फोमो को अवॉइड करना पड़ेगा, ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा और जो मार्केट मौका देगी उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल दोस्तों व्यू है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू, हरे कृष्णा, आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रॉफिट हुआ होगा, दिन अच्छा होगा, वीडियो से फायदा हो रहा होगा एंड आगे भी होता रहेगा।